महिमा ईशु प्रभु जी गाते प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डन के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा सलाम। प्रियो, हम इन दिनों में विश्वासी जीवन की यात्रा, द जर्नी ऑफ बिलीवर, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 35 वचन से 41 वचन में मनन कर रहे हैं। 35वें वचन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को एक न्योता दिया है और कहा है, आओ हम पार चलें। यह आत्मा की अगुवाई में हमारा यात्रा है। प्रियो, हम 36वें वचन में है, जहाँ पर पहले हमने देखा कि भीड़ को छोड़कर, अर्थात भीड़ को भेजकर, हर वो रोकने वाली और उलझाने वाले पाप हमारे जीवन में वे भीड़ हैं जिसे हम छोड़कर इस यात्रा में आगे बढ़े। प्रियो, आगे पढ़े 36वें वचन, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। प्रभु यीशु मसीह नाव में जैसा था वैसा ही वे उसे ले चले। प्रियो, इसके 2 अर्थ हैं। सबसे पहला, उन्होंने इस यात्रा की कोई तैयारी नहीं की। प्रभु यीशु मसीह जैसे बैठे थे, प्रभु ने कहा, आओ हम पार चलें, और वे तुरंत नाव पर बैठे और निकल पड़े। उन्होंने इस यात्रा की कोई भी तैयारी नहीं की, अर्थात वे अपने साथ इस संसार की किसी भी वस्तु को इस यात्रा के लिए लेकर नहीं गए। मेरे प्रियो, हम जब विश्वासी जीवन की इस यात्रा में निकल पड़े हैं, ये ज़रूरी है कि हम संसार के विषयों को,
संसार की चिंताओं को, संसार के बंदिशों को अपने साथ लेकर न चलें। और फिर हम देखते हैं कि जैसा वह था वैसे ही वे उसे ले चलें। इसका एक और अर्थ है, अर्थात दूसरा अर्थ। हम जब नावों को तट पर लगाते हुए देखते हैं तो नावों को रिवर्स में, अर्थात पिछले भाग को तट की ओर लगाकर लगाए हुए देखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि जब यात्रा के लिए निकलना हो तो यह नाव सीधी निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? पिछले भाग में बैठे हैं। जैसा वह था वैसे ही वे उसे ले चले। अब इस सुंदर दृश्य को देखिए मेरे प्रियो, तट है, तट पर भीड़ है, नाव है, नाव में प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में बैठे हैं और उसके चेले यहाँ बैठे हैं आगे के भाग में। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह चेलों और भीड़ के बीच में है। प्रियो, यदि हमें भीड़ को छोड़ना है तो यह हमसे संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे और भीड़ के बीच में हो तभी हम भीड़ को छोड़ पाएंगे। भीड़ को छोड़ना हमारी क्षमता नहीं है, भीड़ को छोड़ना हमारा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह संभव है। मेरे प्रियो, एक और विषय को ध्यान दे। भीड़ की ओर खिंचाव है, आगे की ओर यात्रा है। भीड़ की ओर रुकावटें हैं, आगे की ओर प्रभु में यात्रा है। ये रुकावटें सांसारिक हैं, ये रुकावटें शारीरिक हैं, ये रुकावटें शैतान की ओर से हैं। मेरे प्रियो, जिस यात्रा में हमें चलना है यह आत्मिक यात्रा है, यह स्वर्गीय यात्रा है, और हमारा विश्वासी जीवन की इस यात्रा में स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय विषयों की ओर, परमेश्वर की ओर की यह यात्रा है। ये रुकावटें हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। यदि इन रुकावटों और हमारी यात्रा के बीच प्रभु यीशु मसीह है तब ये रुकावटें हमें रोक कर नहीं रख सकती। कितना सुंदर यह दृश्य है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में यदि कोई ऐसी बातें हैं जो हमें विश्वासी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ऐसी कोई बातें हैं जो हमारे विश्वासी जीवन में आगे चलने से रोकते हुए हमें पापों में उलझाए रखी हुई हैं, हमारी आदतों में उलझा के रखा हुआ है, हमें इस संसार और शरीर की अभिलाषाओं में उलझा कर रखा है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उसके चरणों के पास बैठकर प्रार्थना विनती करें ताकि वह इन रुकावटों को हमारे जीवन से दूर करे और हम अपने विश्वासी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकें। मेरे प्रियो, जब हम इस दृश्य की ओर, इस विषय की ओर अपनी नज़रों को लगाते हैं तो ध्यान से देखें, नाव के पीछे की ओर जहाँ पर भीड़ है, यह सांसारिकता है, यह शरीर की अभिलाषा है, यह सांसारिक आनंद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस ओर जहाँ पर हम हैं उस दिशा में, उस यात्रा की दिशा में स्वर्गीय आनंद है। मेरे प्रियो, हम क्या चुनते हैं, सांसारिक आनंद को या स्वर्गीय आनंद को? हम क्या चुनते हैं, शारीरिक आनंद को या आत्मिक आनंद को? निर्णय आपका है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम बीच में रखें, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास हम आए, तभी यह संभव है। इफिसियों को लिखी गई पत्री 4:22-24 वचन, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आपने ध्यान दिया, परमेश्वर के ये वचन जो पौलुस के द्वारा इफिसी की कलीसिया को लिखा गया है, वह कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, मैले छितड़े कपड़ों को
उतार डालो। ये शरीर, इसकी अभिलाषाएं जो उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं, जो हम इस संसार के पाप के लिए मर गए हैं, क्यों उस बोझ को लेकर हम इस यात्रा में चलें? मेरे प्रियो, पौलुस कहता है इस भ्रष्ट होने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो पुराना मनुष्यत्व है उसे उतार डालो, उस भीड़ को भेज दो और सत्य के अनुरूप की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया नए मनुष्यत्व को पहन लो। सत्य के अनुरूप में, धार्मिकता में, जो पवित्रता में सृजा गया है, उस नए वस्त्र को पहन लो। स्वर्गीय आनंद हमारा इंतजार करता है। क्या हम आज विश्वासी जीवन की इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या हम इस विश्वासी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मरकुस रचित सुसमाचार के 4th अध्याय में 36वें वचन में हम पढ़ते हैं, जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। उस वचन के आखिरी भाग में, और उसके साथ और भी नावें थी। मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर और भी नावें हैं। ये नावें उस नाव के साथ नहीं हैं जो नाव में प्रभु यीशु मसीह है। ये नावें उस नाव के साथ नहीं हैं जिसमें चेले हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ें, उसके साथ और भी नावें थी। ये नावें प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस नाव में हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्या हमारे जीवन में है? हम क्या प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए विश्वासी जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने आप को जांच सकें, जान सकें और इन वचनों के अनुसार जी सकें। आइए हम आगे के वचनों में बढ़ें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ 37वां वचन पढ़ें, verse 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। हम देखते हैं कि जब यात्रा शुरू हुई तब एक बड़ी आंधी उठी। कहां पर? ये गलील का समंदर है। यहाँ पर वातावरण अचानक बदल जाता है। मेरे प्रियो, जब हम इसके इतिहास की ओर देखते हैं या इसके भूगोल की ओर देखते हैं, ज्योग्राफी की ओर, तब हम देखते हैं कि इस झील पर पानी की सतह पर एक हवा होती है और पानी की सतह से ऊपर एक और हवा चलती होती है। जब इन दोनों की दिशा एक होती है तब कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब वे अचानक विपरीत दिशा में बहती हैं तब बड़ा तूफान उठ खड़ा होता है, एक बड़ी आंधी आ जाती है। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के निर्देशन में चलाए जाते हैं और हम उसके अनुसार चलते हैं एक दिशा में, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होती है। हर परेशानी को हम आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के द्वारा निर्देशन को पाते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई पाते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में हम चलते हैं, तब सारी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हमारे जीवन में आंधी और तूफान उठ खड़े होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मसीह विश्वासी परिवारों में ऐसे कितनी ही आंधी और तूफान उठ खड़े हुए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाता है कर्ज ना लेना, क्योंकि जो कर्ज लेता है कर्ज देने वाले के अधीन में दास बना रहता है। और हम तो यहाँ वहाँ कर्ज लेकर कर्ज के बोझ में डूबे जाते हैं। जब प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया तो हम क्यों कर इन कर्जदारों के गुलाम बने? क्यों हम सांसारिकता के गुलाम बने? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल के जवानों के बीच में जब शादी होता है, विवाह होता है, उनके बीच में जो छोटे छोटे मतभेद होते हैं, कितना भयंकर है कि हम देखते हैं ये परिवार अलग हो जाते हैं, पति पत्नी अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को तलाक दे देते हैं।
तलाक देने के बाद एक जब बहन घर पर बैठी है, उसकी माँ उसके लिए दूसरा विवाह करना चाहती है, कहीं और उसके लिए संबंध ढूंढने लगती है। क्या ये सही है प्रियो? प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं कहते कि यह तलाक गलत है? प्रियो, पवित्र शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। आत्मा की अगुवाई नहीं है ये, और हम उसके विपरीत कार्य करते हैं। हमारा जीवन आंधी और तूफान से घिरा रहता है। छोटी छोटी बातें हैं प्रियो, हम पवित्र शास्त्र के वचनों के अनुसार नहीं चलना चाहते। पवित्र शास्त्र वचन हमें सिखाता है, एफिसियों को लिखी गई पत्री 5वां अध्याय 21वचन, मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय में, प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम है, पवित्र शास्त्र कहता है उसके भय के अधीन में, क्योंकि आज जिसने अपने अनुग्रह के काल में हम पर प्रेम किया है, जब वह न्यायी बनकर आएगा, जब वह न्याय करने आएगा, वह किसी पाप को नहीं सहेगा, वह किसी पाप को नहीं सहेगा। इसीलिए मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन में रहो। वहीं एफसी की पत्री 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन में रहो। आज कितना मुश्किल है प्रियो कि एक पत्नी का अपने पति के अधीन में रहना। हम तुरंत दूसरों पर उंगली उठा देते हैं। हवा से यही तो पत्नियों ने सीखा है। पति अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। कितना मुश्किल है कि हम अपने ही पत्नी से प्रेम नहीं कर पाते हैं। जो परमेश्वर के स्वरूप में है, हम उससे द्वेष करते हैं। क्या यही हमें परमेश्वर ने सिखाया है? क्या प्रभु यीशु मसीह के सिखाए हुए उपदेशों में यही हम पाते हैं? परमेश्वर का वचन तो कहता है, हे पतियों, अपने अपने पत्नियों से प्रेम करो। हम कहते हैं, उसने ऐसे किया, उसने ये कहा, उसने मुझे इज्जत नहीं दी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितना ज़रूरी है कि हम विवाह के विषय में अपने जीवन में सतर्कता बरतें। पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है, उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। हे माता पिता, अपने बच्चों से प्रेम करो। उन्हें रीस ना दिलाओ, अपने ऊपर इतना क्रोध ना दिलाओ कि वे बलवा करें। प्रियो, आज के परिवारों में, खास करके विश्वासी परिवारों में, मसीही परिवारों में यही देखने को मिलता है कि बच्चे बलवा करते हैं। बच्चों, अपने माता पिता का आदर करो। कहाँ है वो आदर? प्रियो, कितना ज़रूरी है कि हम मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन में रहें। ये जो तूफान उठ खड़ा हुआ है, ये इसीलिए क्योंकि ऊपर की हवा और नीचे की हवा का दिशा विपरीत है। आत्मा का अगुवाही और हमारा चाल चलन विपरीत दिशा में है। वचनों का कहना और हमारा जीवन विपरीत दिशा में है, इसीलिए हमारे जीवन में आंधी और तूफान आते हैं। प्रियो, जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। प्रियो, ये आंधी, ये तूफान जो हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है, ये हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, ये हमारे जीवन में प्रलोभन है, ये उलझाने वाले पाप हैं। हम सतर्क रहें, परमेश्वर के चरणों के पास बैठें। आज हम परमेश्वर से अगुवाई मांगें, आज हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता मांगें। जब हमारे जीवन में ये तूफान आते हैं, हम किस ओर भागते हैं? हम संसार की ओर भागते हैं, हम दूसरों का उदाहरण देखते हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। प्रियो, हम उसके और इसकी ओर ना देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, जिसने हमें सिर्फ प्रेम करना सिखाया है। प्रियो, इस आपने यदि इस वचन में गौर किया तो एक विषय लिखा है, वह पानी से भरी जाती थी। जो नाव, जो जहाज पानी में है, उस जहाज के बाहर पानी होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं इस आंधी और तूफान के कारण ये बाहर का पानी नाव के अंदर आ गया है। गौर किया प्रियो? हाँ, जब हमारे जीवन में ये आंधी और तूफान आते हैं, हम परमेश्वर की ओर देखना
छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर की सहायता मांगना छोड़ देते हैं, हम वकीलों के पीछे भागते हैं, हम काउंसलर्स के पीछे भागते हैं, हम रिश्तेदारों के पास भागते हैं, हम उनकी सहायता ढूंढते हैं लेकिन परमेश्वर की सहायता नहीं देखते। विश्वासी जीवन के इस यात्रा में आंधी और तूफान आएंगे। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करें और विनती करें कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अद्भुत रीति से हमें सिखाया है कि विश्वासी जीवन की इस यात्रा में हम भीड़ से अलग होने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहें। आपने हमें सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए, उसे देखते हुए, आत्मा की सहायता से, वचनों के आधार पर हम अपना जीवन बिताएं। हमारे जीवन में जब आंधी और तूफान आते हैं, वो कठिन पल आते हैं, तो हम संसार की ओर नहीं, संसार के साथ दृश्य नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र वचनों के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम अपना जीवन बिता सकें, हमारी मदद करो पिता। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता: लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube एड्रेस jeevanjaltv@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और हर बुधवार संध्या 6:30 और हर शनिवार रात 9:00 इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।